हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू प्रेप्राइज ऑनलाइन क्लासेस। कल का जो हमारा सेशन था वो था हमारे पास प्रॉब्लम ऑन एजेस पे, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई थी। तो एक क्या मिस्टेक हुई थी हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपको क्या दी है, अरुण और दीपक की एज का डिफरेंस दिया है, ठीक है। अरुण और दीपक की एज का आपको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस क्या आपको 14 ईयर्स। अब आपको क्या बोला गया है कि 7 ईयर्स एगो, ठीक है। 7 ईयर्स एगो हमने क्या करना है कि दीपक अरुण की एज 7 ईयर्स एगो, ठीक है, और दीपक की एज क्या है 7 ईयर्स एगो, ठीक है। 7 साल पहले हमने क्या कर दिया था कि यहाँ पे प्लस 7 कर दिया, ठीक है। हमने मतलब 7 साल आगे की एज की रेशियो जो थी इसको एज्यूम कर लिया था, ठीक है। हमने क्या कर दिया था कि 7 ईयर्स एगो की जगह 7 साल आगे की रेशियो जो यहाँ पे लिख ली थी, ठीक है। तो रेशियो क्या है हमारे पास 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की रेशियो है, ठीक है। उनकी एज की रेशियो क्या है हमारे पास 7 साल पहले की रेशियो क्या थी हमारे पास 5:7, ठीक है। 5:7 मैंने आपको क्या कहा था कि एज का डिफरेंस जो वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अगर टाइम जो है चेंज हो जाएगा लेकिन एज का डिफरेंस जो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आज एज का डिफरेंस 14 ईयर्स है तो आगे 10 साल के बाद भी एज का डिफरेंस 14 ईयर्स ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमने रेशियो में क्या देखा, रेशियो में एज का डिफरेंस कितना है, ठीक है। रेशियो में एज का डिफरेंस है 2, ठीक है। रेशियो में एज का डिफरेंस 2 है लेकिन एक्चुअल में एज का डिफरेंस कितना है 14। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 रेशियो है वो किसके इक्वल है, ये जो 2 रेशियो वो 17 के इक्वल है। तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगी 7 के, ठीक है। अगर 1 रेशियो 7 के इक्वल है तो ये 7 किसके इक्वल होगा 49 के, ठीक है। और ये 5 किसके इक्वल होगा 35 के, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है कि दीपक की प्रेजेंट एज चाहिए हमें, ठीक है। प्रेजेंट एज चाहिए, ये 49 क्या है 7 साल पहले की है, ठीक है। 49 क्या है हमारे पास 7 साल पहले की है, हमें अब प्रेजेंट चाहिए। तो प्रेजेंट क्या होगी 49 प्लस 7, आंसर क्या आना था 56, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया था कल के क्वेश्चन में, इसको हमने प्लस 7 ले लिया था और एज को माइनस कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे एज क्या दी थी हमें 7 ईयर्स एगो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने एक बार करेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो होमवर्क के क्वेश्चन थे, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फादर और उसके बेटे की एज है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था, इसलिए मैं बेसिक मेथड से नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से करूंगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मेथड के लिए स्टूडेंट की क्वेरी आई थी हमारे पास कि सर जैसे इनकी एज की रेशियो कितनी है 17:7, ठीक है। अब क्या हुआ कि रेशियो की उनकी जो एज की रेशियो है 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले उनकी एज की रेशियो कितनी थी, ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट में है, ठीक है। ये 6 साल पहले की है, माइनस 6 कर लिया, 6 साल पहले की कितनी है हमारे पास ये वाली रेशियो। बोलने का क्या मतलब है कि इसकी प्रेजेंट और इसकी जो 6 साल बाद की रेशियो है वो है 17:3, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या है 7:1। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से चलना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये एज का डिफरेंस और ये एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट में उसमें तो मोस्टली क्या था कि सभी क्वेश्चन में ये डिफरेंस इक्वल थे। लेकिन सपोज अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या देखा हमने कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 14 का है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 6 का है, ठीक है। डिफरेंस इक्वल नहीं है, है ना। यहाँ पे भी डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले डिफरेंस को इक्वल करना है, ठीक है। इन डिफरेंस को हमने इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करते हैं हम कि ये वाली जो रेशियो है ना, ये वाली जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस वाले डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है हमारे पास 2:2, ठीक है। और ये वाली जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस वाले डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है 10 और इसको भी 10 से। अब हमारे पास जो नई रेशियो निकल के आएगी, ठीक है, वहाँ से आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गई नई 34, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, यहाँ पे बन गई आपके पास 30:10, ठीक है 30:10। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, ठीक है। डिफरेंस इक्वल हो गया, मतलब अब हम जो वो शॉर्ट ट्रिक मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एज का डिफरेंस कितना है रेशियो में 4 ईयर्स, लेकिन एक्चुअल में कितना है 6 ईयर्स, है ना। यहाँ पे
जो रेशियो में एज का डिफरेंस है वो 4 ईयर्स है, यहाँ पे कितना है एक्चुअल में 6 ईयर्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 रेशियो जो है वो 6 के इक्वल होगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये 4 रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगी, 6 के इक्वल, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 के इक्वल। ठीक है, 1 किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 के इक्वल। अगर 1 जो है 3/2 के इक्वल है तो हमसे पूछा क्या गया है कि फादर की प्रेजेंट एज। अब हमारे पास प्रेजेंट एज कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो एज है ये प्रेजेंट एज है। अगर 1 जो है वो 3/2 के इक्वल है तो प्रेजेंट एज क्या है फादर की, 34 × 3/2 17 = 51 ईयर्स। ठीक है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी आपके पास, 51 ईयर्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके पास राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक मदर है, ठीक है, टुडे बताया हुआ है। टुडे का क्या मतलब है कि प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टुडे मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है कि एक मदर की एज जो है उसकी बेटी से 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगी, है ना, मदर और डॉटर की रेशियो क्या आ जाएगी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में उनकी रेशियो आ जाएगी आपकी 3:1। ठीक है, यही तो बताया है कि अगर डॉटर की एज 1 ईयर है तो मदर की एज कितनी होगी, 3 साल। ठीक है, रेशियो में यही तो है। नेक्स्ट हमें बोला गया कि आफ्टर 12 ईयर्स। अब 12 साल के बाद क्या हो रहा है कि जो मदर की एज है वो डॉटर की एज की क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। ठीक है, तो अब 12 साल के बाद, ठीक है, 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर है ना, 12 साल के बाद रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1। ठीक है, अब हमने डिफरेंस देखा, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 0 का, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है। हमको क्या करना है, डिफरेंस को क्या करना है, हमने इक्वल करना है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2/2 से। नई रेशियो क्या आ रही है अब हमारे पास, 3:1 और 4:2। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या एज का डिफरेंस सेम है, यहाँ पे एज का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी एज का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों डिफरेंस सेम हो गए। ठीक है, दोनों डिफरेंस सेम हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, सारे डिफरेंस सेम हो गए। ठीक है, अब जब डिफरेंस सेम हो गए हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 1 साल, लेकिन ये तो आ गया 1 साल रेशियो में, एक्चुअल में कितना है, 12 ईयर्स। ठीक है, 1 तो आ गया रेशियो में, एक्चुअल में कितना है, 12 ईयर्स। तो हम बोल सकते हैं कि 1:1 किसके इक्वल होगी, 12 के इक्वल। पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर की प्रेजेंट एज कहाँ है हमारे पास, ये, तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स। ठीक है, डॉटर की प्रेजेंट एज ये तो 12 साल बाद की वाली है। ठीक है, ये रेशो 12 साल बाद की है, ये प्रेजेंट की रेशो है, तो ये डॉटर की एज है 1 = 12, तो डॉटर की एज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 ईयर्स। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया था अभी डिस्कस, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इन्होंने स्टेटमेंट अलग दे दी है। स्टेटमेंट में क्या है कि इन्होंने बोल दिया कि दिनेश जो है वो रोशन से 9 साल छोटा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि दिनेश और रोशन के बीच में एज का डिफरेंस कितना है, 9 साल का। ठीक है, उन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस 9 साल का है। अब वो बोलते हैं कि इफ़ देयर एज इज इन रिस्पेक्ट रेशियो, अगर उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो जो है हमारे पास, दिनेश और रोशन की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है हमारे पास, 4:5। ठीक है, रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, रेशियो में डिफरेंस 1 है, एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 9। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1:1 जो किसके इक्वल होगी, 9 के इक्वल। अगर 1:9 के इक्वल है तो पूछा क्या गया है, दिनेश की प्रेजेंट एज, तो दिनेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 36 ईयर्स। ठीक है, दिनेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 36 ईयर्स। दिनेश इज यंगर, दिनेश छोटा है ना, हाँ ठीक है, तो दिनेश की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 36 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है कि 18 ईयर्स अगो, ठीक है, अब डिफरेंस क्या दिया गया है रेशियो में, 18 साल का डिफरेंस दिया गया है कि 18 साल पहले क्या था, एक आदमी जो है वो अपने बेटे से कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, लेकिन कब की बात हो रही है, ये 18 साल पहले की। ठीक है, 18 साल पहले की क्या हो रहा है कि एक आदमी और उसके बेटे की जो एज का रेशियो है वो क्या है, 3:1। ठीक है ना, 3:1 है ना उनकी एज का डिफरेंस,
सुरीम के रेशो में 18 साल पहले, अब क्या बोला गया नाउ, नाउ मतलब अब बात हो रही है प्रेजेंट में। अब क्या हो रहा है कि उनकी एज का रेशो क्या हो जा रहा है 2:1, ठीक है। यही तो बोल रहा है कि मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, कि उसका बेटा जितने साल का है, ठीक है, वो जो है उसके डबल है, ठीक है, दो गुना है। तो अगर उसका बेटा एक साल का है तो वो 2 साल का होगा, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं रेशियो में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन, कि आदमी की जो प्रेजेंट एज है और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है उसका क्या बताना है हमको, सम बताना है, ठीक है। तो सम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमने देखा कि रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, रेशियो इक्वल नहीं है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो हमारे पास इक्वल होगी क्या आ गई 3/1 और ये आ गई हमारे पास 4/2, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं था, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया है, इक्वल हो गया 1:1 का। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये 1:1 जो है किसके इक्वल होगी, 18 साल के इक्वल, ठीक है। ये 1:1 किसके इक्वल होगी, 18 ईयर्स के इक्वल, ठीक है। अगर 1:18 के इक्वल है तो हमें क्या पूछा गया है, उनकी प्रेजेंट एज का सम, ठीक है। तो ये वाली जो रेशियो है वो 18 साल पहले की है, ये वाली रेशियो जो है उनकी क्या है, प्रेजेंट। तो इनकी एज का सम कितना हो जाएगा, ठीक है, 4:1 में फादर है, 2:1 में सन है, टोटल रेशियो कितनी होगी, 6, ठीक है। 1 जो है 18 को डिनोट कर रहा है, तो 6 किसको डिनोट करेगा हमारे पास, 108 ईयर्स, ठीक है, कि उन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 108 साल। आप अलग अलग से भी निकाल सकते थे, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो फादर की एज आ जाती, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो सन की एज आ जाती, ठीक है, 72 आ जाती यहाँ पे फादर की, 36 आ जाती बेटे की, उनको ऐड कर देते तो आंसर क्या आ जाना था, 108, लेकिन हमने रेशियो को ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना, और डायरेक्ट एक बार में उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया कि 108 साल जो है उन दोनों की एज का क्या है, सम है। अगर वही आपसे क्या पूछा गया होता कि 18 साल पहले उनकी एज का सम क्या था, तो आपने 18 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से, ठीक है। नेक्स्ट, ये आज का हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एरिया और पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है, कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे मेंसुरेशंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम क्या आज हम जो पढ़ेंगे वो 2D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 2D फिगर्स, 2-डायमेंशनल फिगर्स। तो एग्ज़ाम में मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 तरह की फिगर से आते हैं, एक आता हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, एक आता हमारे पास स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, एक आता हमारे पास रेक्टेंगल, और फोर्थ आता है हमारे पास सर्कल, ठीक है, फोर्थ आता है हमारे पास सर्कल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एरिया क्या चीज़ होती है और पैरामीटर क्या चीज़ होता है, ठीक है, एरिया क्या चीज़ होती है और पैरामीटर क्या चीज़ होती है। सपोज हमने ले लिया इसको, ठीक है, इसे ले लिया हमने, अब इसका एरिया क्या होगा, जो इसके अंदर वाला है, ठीक है, अंदर वाला जितना भी पोर्शन है वो क्या होगा, इसका एरिया, ठीक है। सपोज हमने बोल दिया कि ये क्या एक वॉल है, ठीक है, ये एक दीवार है और इसको पेंट करना है, तो जब उस पूरी दीवार को पेंट करेंगे तो वो क्या आ गया, उसका एरिया। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए कि इस दीवार का क्या है, पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर क्या होता है, इसका आउटर सरफेस, ठीक है, इसका बाहर वाला सरफेस जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो बाहर वाले सरफेस की टोटल लेंथ कैसे आएगी, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, बाहर वाला सरफेस, और एरिया क्या होता है, जो टोटल होता है हमारे पास अंदर वाला सरफेस, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास, एरिया, और पैरामीटर क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, उसका बाहर वाला सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहला क्या आ गया आपके पास, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, या ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस है, और ये ट्रायंगल का क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। अगर आपको आधार दिया है और लंब दिया है, तो आप ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर या हाइट, कुछ भी, ठीक है, इसको आप परपेंडिकुलर बोलो, हाइट बोलो, कुछ भी, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको आप हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो कॉमन फॉर्मूला आ गया किसका, ट्रायंगल्स का, ठीक है।
कब? जब आपको बेस भी दिया है और आपको हाइट भी दी है ट्राइंगल की, तब तो आपने इस फॉर्मूले से क्या कर लेना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन सपोज आपको न हाइट दी है, ठीक है, आपको हाइट नहीं दी है ट्राइंगल की, आपको क्या दे दिया है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दी हैं, ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दी हैं, तो फिर हमें देखना है कि ट्राइंगल है किस टाइप का। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ट्राइंगल आते हैं तीन टाइप के। सबसे पहला हमारे पास ट्राइंगल आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन मतलब विषमबाहु त्रिकोण या विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा जो है वो समान नहीं होती, ठीक है। ये एक जो है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी कोई भी जो है साइड जो वो बराबर नहीं होती, ठीक है, कोई भी भुजा जो बराबर नहीं होती वो कौन सा त्रिभुज होता है हमारे पास, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर आपको क्या दिया है, तीन भुजाएं दी हैं, तीन साइड्स अगर आपको दी हैं, तो आपने क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विषमबाहु त्रिभुज के एरिया निकालने का, हीरोज़ फॉर्मूला, ठीक है, हीरोज़ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एक हीरोज़ फॉर्मूला क्या बोलता है कि एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो आपने क्या करते रहना है, इसको साथ साथ में नोट करते रहो, ठीक है, साथ साथ में आप क्या करते रहो, इसको नोटबुक पे नोट करते रहो। तो हीरोज फॉर्मूला से हमारे पास एरिया क्या आता है, अगर आपको साइड्स दिए हैं तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वहीं पर हमारे पास एस क्या होता है, एस क्या होता है हमारे पास, एस होता है हमारे पास सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इन तीनों का क्या सम, डिवाइड कर दिया उसको टू से, तो वहाँ से निकल जाता है हमारे पास सेमी पैरामीटर। और पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, उसके बाद हम उसका एरिया जो हो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपके पास जो है क्या है, आपके पास विषमबाहु त्रिभुज का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। वैसे तो हीरोज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, उस हीरोज फॉर्मूला से आप सभी ट्राइंगल का एरिया जो हो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो, किससे, हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल दिया है, ठीक है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज होता है ये, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, सारी की सारी भुजाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, सारी की सारी साइड सेम होती हैं। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इसका एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड का स्क्वेयर, ठीक है, अंडर रूट तीन बटा चार गुणे भुजा का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये इसका एरिया फाइंड आउट करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी दो भुजाएँ समान होती हैं, ठीक है, कोई भी दो भुजाएं क्या होती है इसमें, समान होती हैं। हमने बोल दिया कि ये और ये दोनों भुजाएं क्या बराबर हैं, ये दोनों साइड्स जो बराबर है, ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये B है, ये A है, ये A है और B से हमने क्या डिनोट कर दिया, बेस को, ठीक है, ये A है, ये A है, ठीक है, इन दोनों को A A क्यों लिखा, क्योंकि हमने बोला कि ये वाली साइड और ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, और ये साइड जो है हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है, ये इन दोनों की कुल नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का नाम से पता चला है, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं जो वो बराबर होंगी, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी दो जो साइड्स हैं वो तो इक्वल होती हैं, लेकिन ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जब मेंसुरेशन का चैप्टर खत्म होगा तो ट्राइंगल और सर्कल का हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल और सर्कल में बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो मेंसुरेशन के चैप्टर में आप थोड़ा बेसिक एरिया और पैरामीटर के बारे में समझिए, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मेंसुरेशन के बाद, उसमें हम सर्कल और ट्राइंगल के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से हमारे पास एरिया का फॉर्मूला बनता है बी डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर,
ठीक है, ये जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, नाम से ही क्या हो रहा है, ठीक है, इसका नाम ही क्या डिफाइन कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, कि इसका एक एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, एक एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का है, और फॉर्मूला क्या लगता है, अगर आपको बेस दिया है और आपको हाइट, या इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं आधार, इसको परपेंडिकुलर लंब, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसका अगर आपको दो साइड्स दी हैं तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अब पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और फॉर्मूला जो होगा एरिया फाइंड आउट करने का, वो वही कॉमन फॉर्मूला रहेगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आपको बेस दिया है और हाइपोटेन्यूस दी है, तो आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उसकी हाइट निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये बोलती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी अगर दो साइड्स दी हैं तो तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपको बेस और हाइट दिया है, ठीक है, आपको अगर बेस और हाइट दी है तब तो आप एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर आपको बेस और क्या दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दी हुई है, तो आप वहाँ से इस फॉर्मूले से बेस फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद एरिया के लिए इसमें फॉर्मूला यही वाला लगेगा, ठीक है। एरिया आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या आप हीरोज फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फिगर आती है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इस तरह से होता है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि इसकी चारों के चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके चारों के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसके चारों के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो स्क्वायर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री, ठीक है। वहीं पे अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के तीनों सम जो होते हैं, ठीक है, जो तीनों एंगल्स है ट्राइंगल के, इनका सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपके पास किसकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर। सपोज ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए का स्क्वायर, या आप बोल सकते हो साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर, और आप बोल सकते हो क्या, साइड का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्क्वायर का। नेक्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तो आपको अगर पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पैरामीटर निकालना है आपको तो पैरामीटर फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामीटर क्या होता है, कि जो बाहर वाला सरफेस है इसकी लेंथ, ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस में कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो इन चारों की जो लेंथ है उनको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और आपके पास पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो जब चारों की चारों लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a, ठीक है, ये आ गया आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर। अब एक और चीज़ होती है डायगनल, ठीक है, डायगनल क्या होता है, ये होता है हमारे पास डायगनल, ठीक है। डायगनल कैसे निकालते हैं हम, डायगनल देखिए, यहाँ से जब हमने डायगनल निकाला तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ से हमारे पास डायगनल का फॉर्मूला क्या बनता है, डायगनल इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये भी ए स्क्वेयर है, ये भी ए स्क्वेयर है, ठीक है। डायगनल का स्क्वेयर क्या बन गया, क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, पाइथागोरस लगा दी ना। डायगनल का स्क्वेयर क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। यहाँ से अगर हमको डायगनल निकालना है तो क्या आ जाता है हमारे पास, अंडर रूट 2 ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर से एक बाहर आ जाएगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 और ए, ठीक है, ये आ गया डायगनल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको एक बार आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल होता है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। रेक्टेंगल भी हमारे पास स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, कि रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती,
ठीक है। रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और साथ ही में क्या होती हैं कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी होता है कि आमने सामने वाली साइड स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं। इसमें क्या होता है कि आमने सामने वाली इक्वल और पैरेलल है, ठीक है, आमने सामने वाली इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। एंगल इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं सारे, और सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है हमारे पास, सपोज इसको हमने मान लिया कि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पैरामीटर क्या होता है इसका, पैरामीटर जो परिमाप होता है इसका, पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम, पैरामीटर के लिए मैंने क्या बोला था कि इन चारों को क्या कर दो, ऐड कर दो, जब इन चारों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 को हमने ले लिया क्योंकि लेंथ हमारे पास 2 हैं, है ना, ब्रेथ भी हमारे पास 2 है, इसलिए 2 यहाँ पे क्या आ गया है, कॉमन आ गया, तो ये आ गया पैरामीटर का फॉर्मूला। अब डायगनल, ये हमारे पास डायगनल होता है, डायगनल का क्या फॉर्मूला होता है, वहीं पर आपने क्या देखा, ये डी है डायगनल, ठीक है, यहाँ पर फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से डायगनल का फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से बेस का स्क्वायर ऊपर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वो आ गया आपका डायगनल का फॉर्मूला, ठीक है। डायगनल का फॉर्मूला कहाँ से निकला हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया डायगनल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल क्या होता है, इस तरह से होता है हमारे पास सर्कल, ठीक है, इस तरह से होता है हमारे पास सर्कल। अभी हम सर्कल के बारे में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सर्कल का, सर्कल के पैरामीटर के बारे में और सर्कल के एरिया के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मेंसुरेशन ख़त्म होगा, उसके बाद जो एक अलग से हमारे पास सेशन आएगा उसमें हम सर्कल और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल में ये होता है हमारे पास सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से ये जितनी भी आपके पास सरफेस है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से ये जितना भी डिस्टेंस है सारा सारा डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस, है ना, रेडियस मतलब हिंदी में क्या पढ़ा होगा आपने, त्रिज्या, ठीक है, ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वहीं अगर हम इस तरफ आ जाएँ और ये पूरा, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है, है ना। अगर दो रेडियस को हम ऐड कर दें तो एक क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, ठीक है, और रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। डायमीटर दिया है आपको, रेडियस निकालना है, तो आपने क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है। अगर आपको रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना है, तो आपने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है इसका, आउटर सरफेस, ठीक है, पैरामीटर क्या हो गया इसका, आउटर सरफेस। लेकिन सर्कल में हम पैरामीटर को पैरामीटर ना बोल के क्या बोल देते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं हम। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, परिधि, ठीक है, हिंदी में आपने सर्कमफ्रेंस के लिए क्या पढ़ा होगा, परिधि, कि सर्कल की परिधि निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 2 पाई आर, ठीक है। वहीं अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल का आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया आता आपके पास पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, तो इसके नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज क्या करने हैं, आपने लर्न करने हैं। ये तो आगे इंट्रोडक्शन पार्ट, अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसमें हमारे पास रेक्टेंगल की, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की क्या हमें एक लेंथ दी है, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी हमने एल, ठीक है, और साथ में क्या बोला है कि उसकी जो विड्थ है वो क्या है, 1/2 ऑफ लेंथ, ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो लेंथ की क्या है, आधी, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी विड्थ एल बाई टू होगी, ठीक है, लेंथ की आधी है तो हम बोल सकते हैं कि एल बाई टू होगी। अब आपको क्या बोला गया है कि आपने रेक्टेंगल का एरिया बताना है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या हमारे पास एल,
विड्थ क्या है हमारे पास l बाई टू, तो क्या आ गई है 1 बाई टू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर ऑप्शन सी, जो आपके पास क्या है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है। क्या दी है आपको? एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है आपको, एक खेत दिया है, किस आकार में? वो आयत के आकार में। ठीक है, आपको एक खेत है, फील्ड है एक, वो आयत के आकार में है, और आपको क्या बोला है कि उसका एरिया दिया है आपको। ठीक है, उसका आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, कितना दिया है 2100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2100 स्क्वायर मीटर जो आपको उसका क्या दे दिया है, एरिया दिया है, और साथ में क्या दिया आपको, एक लेंथ दे दी उसकी, उसकी लेंथ कितनी हमारे पास 60 मीटर है। ठीक है, लेंथ कितनी आपके पास 60 मीटर है, आपको क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है उसकी, या ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, आपको उसकी क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, लंबाई आपको दी हुई है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एरिया हमको कितना दिया है 2100। ठीक है, लेंथ कितनी दी है हमें 60, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ को हमने एक साइड रहने दिया और लेंथ को दूसरी साइड ले गए, तो क्या आ गया ये 2100/60, और ये आ गया हमारे पास 35। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास क्या, विड्थ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। ठीक है, व्हाट इज इट्स पैरामीटर, अगर ये 60 है तो ये क्या हमारे पास 35 आ गई। अब इसका पैरामीटर निकालना है आपको, तो पैरामीटर क्या होता है, इन चारों साइड्स का सम, 60+60, ये भी 60 होगा ना, ये भी 35 होगा। ठीक है, 60+60 120, 120 और 70 190। ठीक है, तो पैरामीटर क्या आ गया इसका 190 मीटर, पैरामीटर आ गया इसका, जो परिमाप इसका जो आ गया है वो आ गया है 190 मीटर। तो ऑप्शन में देखिए 190 मीटर कहाँ है, कहीं भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नन ऑफ दीज। ठीक है, कि इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या है आपके पास, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपको लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दी है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, बात फिर रेक्टेंगल की ही हो रही है कि एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी आपको क्या है, लेंथ और ब्रेथ ना दे के उनकी क्या दे दी आपको, रेशियो दे दी, उनका अनुपात दे दिया है, कि हमने मान लिया कि ये 3x है और ये 2x है। ठीक है, 3:2 में दिया है, अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये 2x है तो ये भी 2x होगा। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ़ अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h कंप्लीट 1 round in 8 minutes देन फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक घूम के पूरा चक्कर लगाता है साइकिल का। ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा घूम के क्या करता है, एक साइकिल का चक्कर लगाता है, किस स्पीड से, किस स्पीड से, 12 km/h की स्पीड से। टाइम कितना लेता है वो, 8 मिनट्स। ठीक है, टाइम कितना लेता है वो, 8 मिनट्स। ठीक है, अगर वो ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ का पूरा चक्कर लगाता है, तो क्या कर रहा है वो, एक तरह से आउटर सरफेस का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पूरे आउटर सरफेस का चक्कर लगा रहा है। अगर वो पूरे आउटर सरफेस का चक्कर लगा रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, पूरा जो आउटर सरफेस का पूरा डिस्टेंस होगा वही तो हमारे पास पैरामीटर होगा। तो हमें क्या निकालना है, इस आउटर सरफेस का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब आपके पास स्पीड दी है, टाइम दी है, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड गुणा समय, है ना, स्पीड गुणा टाइम। तो ये 12 km/h है, यहाँ पे हमें मिनट्स में दिया है, तो हमें क्या करना है कि किलोमीटर को क्या करना है, हमें मीटर पर मिनट में चेंज करना है। तो 12 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो कितना आ गया, 12,000 मीटर। ठीक है, आर को चेंज किया हमने मिनट्स में, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और ये आ गया हमारे पास टाइम 8 मिनट। ठीक है, इससे ये कट गया 200, ये आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 1600 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस अब आपके पास आ गया है 1600 मीटर। ये डिस्टेंस 1600 मीटर ये क्या शो कर रहा है कि इस पूरे जो रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर है हमारे पास वो 1600 मीटर है। अगर रेक्टेंगुलर पार्क का जो पैरामीटर है वो 1600 मीटर है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ पर देखिए रेशियो में पैरामीटर क्या है, 3, 3, 6 और 4, 10।
ठीक है, तीन तीन छः और चार दस, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 10x है वो किसके इक्वल होगा, 1600 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, 160। x कितना आ जाएगा, 160। लेंथ और ब्रेथ की रेशियो कितनी है, 2:3:2। अगर 1 जो है वो 160 के इक्वल है तो 3 किसके बराबर होगा, 480 के, और 2 किसके बराबर होगा, 320 के। ये हमारे पास लेंथ आ गई, ये हमारे पास ब्रेथ आ गई, हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, 480 गुणा 320। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 153600। ठीक है, आंसर क्या है आपके पास, 153600 एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, मीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया राइट आंसर, कि 153600 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आ गया। ठीक है, देखा क्या आपने, क्या आपको रेशियो दी है। ठीक है, रेशियो से आपको एक चीज़ क्या दी है, कि एक पर्सन क्या है, साइकिल का चक्कर लगा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 मिनट्स में, तो वहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। वो टोटल डिस्टेंस क्या हमारे पास, पैरामीटर आ गया। पैरामीटर से हमने क्या निकाल दी, लेंथ और ब्रेथ निकाल ली। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकल गई तो एरिया फिर वहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि इसमें क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपको और आपको क्या दी है, ट्रायंगल की 3 साइड दी है, 15, 16 और 17। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, आपने क्या देखा कि ये 15 सेंटीमीटर, ये 16 है, ये 17 है। ठीक है, सारी की सारी जो साइड्स हमारी वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल होगा, एक की 15 है, एक की 16 है, एक की 17 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, हीरोज फार्मूला से। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड आउट करना है आपने इसका, हीरोज फार्मूला से। तो आपने हीरोज फार्मूला लगाना है और ये क्वेश्चन जो आपने खुद से करना है, ये आपके पास क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करना है और आपने हमें क्या बताना है कि इसका एरिया क्या आया। ठीक है, पहले आप सेमी पैरामीटर निकालो, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके, फिर उसके बाद हीरोज़ फार्मूला जो मैंने आपको बताया उसका यूज़ करके आप इसका क्या है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ अ बेस एंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कोई भी 2 साइड जो भी इक्वल होती है, हमने मान लिया कि ये 2 साइड इक्वल है। ठीक है, और हमको दिया क्या है, बेस दिया है। बेस कितना दिया हमको, 8 सेंटीमीटर दिया है, और साथ में इसका एरिया दिया है हमको 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमको एक बेस दे दिया है और एक एरिया दे दिया है, निकालना क्या है हमको, उसकी पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, इन तीनों का पैरामीटर क्या हो गया इसका, 3a। ठीक है, 3a नहीं होगा इसका पैरामीटर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका पैरामीटर जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, क्या आ जाएगा इसका पैरामीटर, आ जाएगा हमारे पास, सपोज हमने इसको a मान लिया, इसको a मान लिया, तो पैरामीटर आएगा 2a+b। ठीक है, 2 साइड्स ये और एक ये। ठीक है, ये आ जाएगा इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इनकी साइड्स निकालनी है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर आपको साइड्स दी हैं, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एरिया फाइंड आउट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, b/2√a²-b²/4। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था, वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू दी है आपको 12, एरिया दिया है, बेस आपको दिया है 8/2। ठीक है, ए जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बी स्क्वेयर आपको कितना दिया है, 8 का स्क्वेयर कितना होता है, 64/4, यहाँ से कितना आ गया ये 8, यहाँ से कितना आ गया ये 4, 4 को इस साइड ले आइए, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, √a²-, यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा ना, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, जब 4 को उससे काटेंगे तो 16, a²-16 इज इक्वल टू 12/4। ठीक है, 12/4, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, आगे a²-16√√3। ठीक है, अब इस अंडर रूट को दूसरी साइड लेके जाइए आप। ठीक है,
ठीक है, या तो आप इस अंडर रूट को दूसरी साइड लेके जाइए या क्या कर दीजिए, दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए। ठीक है, जब आप अंडर रूट को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, दूसरी साइड जाके स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस 16, ये स्क्वेयर बन गया। तो 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अगर ए स्क्वेयर आपके पास जो 25 है तो ए कितना होगा 5। ठीक है, तो ये जो ए आ गया वो कितना आ गया 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। निकालना क्या है हमें, पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है उसका। ठीक है, या परिधि बोल सकते हैं आप। ठीक है, परिमाप निकालना है या परिधि, तो परिधि क्या आ जाएगी इसकी 5, 5, 10, 10 और 8, 18 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 6th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको साइड दी है, एक आपके पास ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर आपको इसकी एक साइड दी है, सपोज इसकी एक साइड 3√3 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर एक साइड ये है तो दूसरी साइड भी यही होगी और तीसरी साइड भी यही होगी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि आपने एल्टीट्यूड निकालना है इसका। ठीक है, ये वाली चीज़ निकालनी है आपने आपने क्या निकालना है इसका, एल्टीट्यूड निकालना है। तो एल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो आ गया फॉर्मूला किसके लिए, एल्टीट्यूड निकालने के लिए। अब यहाँ पे एरिया क्या आएगा, एरिया कौन सा आएगा यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 बेस कितना है हमारे पास, 3√3 बेस है हमारे पास 3√3, और साथ में हाइट कितनी है आपके पास, हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड ही क्या है इसकी, हाइट है, हाइट आपको क्या है यहाँ से निकालनी है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या आ गई, हाइट को आपने एक साइड रहने दिया, बाकी को इस साइड ले आए, तो हाइट क्या आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 / 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा था आपके पास 2/3, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 3, 9 हाइट क्या आ गई आपके पास 9/2 = 4.5 cm। ठीक है, यहाँ से आपके पास हाइट या जो ये एल्टीट्यूड आ गया वो कितना आ गया 4.5 cm। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपके पास, राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे हमने किया क्या, हमने क्या किया कि हमें क्या निकालना था, एल्टीट्यूड निकालना था। तो हमें पता है कि हमने अगर एल्टीट्यूड निकालना है तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, है ना। अगर ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला चाहिए हमें। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है वो इस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिख दिया, यहाँ पे हमने जो कॉमन ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों एरियाज क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। फिर हमने क्या कर दिया कि वैल्यू पुट कर दी इसमें, वैल्यू पुट कर दी, ये साइड का स्क्वायर लिख दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास बेस कितना है 3√3, इसलिए हमने बेस की जगह 3√3 लिख दिया। एल्टीट्यूड हमें निकालना है तो एल्टीट्यूड को हमने इस तरफ रहने दिया, बाकी सबको हम दूसरी साइड ले आए। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया 4.5 cm। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है कि दो इक्वल सर्कल है हमारे पास जिनका रेडियस कितना है 4 cm, इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ठीक है, इसमें क्या है कि दो सर्कल है हमारे पास जिनका रेडियस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर एक का सेंटर ये है तो क्या बोल रहा है वो, दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के सेंटर से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है इस सर्कल का सेंटर है और ये जो है इस सर्कल का सेंटर है, तो ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 cm। ठीक है, ठीक है, रेडियस कितना आ गया हमारे पास 4 cm। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड कहाँ पे आएगी, जो
जहाँ पे सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमें क्या निकालनी है, ये जो कोड है इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सपोज हमने इसको नाम दे दिया ओ ए और बी, ठीक है, ये बी ए ओ बी जो हमारे पास एक क्या बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये वाली साइड दी है, कैसे दी है हमारे पास ये वाली साइड, अगर ये पूरी की पूरी 4 सेंटीमीटर है तो ये जो ए ओ आ जाएगी हमारे पास, ये जो साइड ए ओ आ गई हमारे पास, ये कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए ओ क्या हमारे पास, ये एक तरह से बेस है। अब हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर से लाइन कहाँ जा रही है, सेंटर से लाइन कहाँ जा रही है, सर्कल के सरफेस पे, मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास, एक रेडियस होगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेंथ निकालनी ना हमें, निकालनी तो हमें पूरी लेंथ है, लेकिन इस ट्राइंगल से हमारे पास सिर्फ ये वाली लेंथ आएगी। तो ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे हम, ये वाली लेंथ ओ बी को हम निकालेंगे किस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या आएगा, ये निकल के हमारे पास ओ बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वेयर प्लस ए बी का स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके किसकी हाइट निकालनी है हमको, ओ बी की। तो यहाँ पे हमारे पास ओ बी की जो भी हाइट आएगी वो आपने मुझे बतानी है कि ओ बी की कितनी हाइट आई, ठीक है। और कोड की हाइट क्या आएगी, ओ बी की हाइट प्लस ये वाली हाइट भी तो इक्वल ही है, तो पूरी कोड की हाइट क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू ओ बी, ठीक है। जो भी ओ बी की हमारे पास, जो परपेंडिकुलर की हमारे पास, ये परपेंडिकुलर जितना भी आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस पूरी कोड की आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने क्या करना है, खुद से करना है, ये क्वेश्चन भी क्या आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक आपके पास क्वेश्चन है कि आपको एक क्या दिया है, डायमीटर दिया सर्कल का, ठीक है, आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है सर्कल का। डायमीटर क्या है सर्कल का, 3.5 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, आपको क्या निकालना है उसका, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr। आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर से आपने क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है। अगर आपके पास रेडियस आ गया तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस भी आ गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है उसका रेडियस कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल है उसका रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है उसका एरिया जो है वो उसके सर्कमफ्रेंस के कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो अगर 5 सेंटीमीटर आपको क्या रेडियस दिया है तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर, मतलब पाई इंटू 5 का स्क्वेयर कितना आ गया हमारे पास, 25 पाई, ठीक है, ये आ गया एरिया। वहीं पे अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई इंटू 5, तो ये कितना आ गया आपके पास, 10π, ठीक है, ये आ गया सर्कमफ्रेंस, ये आ गया एरिया। पूछा क्या गया है कि ये एरिया जो है ये सर्कमफ्रेंस के कितने परसेंट है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, 25π डिवाइडेड बाय 10π मल्टीप्लाई बाय 100, पाई से पाई कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 250%, ठीक है, 250% के आ गया आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको रेडियस दिया, आपने वहाँ से एरिया निकाल लिया और सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, ये एरिया आ गया, ये सर्कमफ्रेंस आ गया। फिर आपको क्या पूछा है कि जो ये एरिया है ये सर्कमफ्रेंस का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, ऐसे, ठीक है। और ये है आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल का पैरीमीटर जो है वो सेम है। आपको क्या बोला है कि एक सर्कल और एक
रेक्टेंगल है उसका पैरीमीटर क्या है, सेम है। एक आपके पास सर्कल है और एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, इन दोनों को पैरीमीटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि 2πr, 2πr क्या होता है, सर्कल का पैरीमीटर, ठीक है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, और रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाता है, रेक्टेंगल का पैरीमीटर। अगर ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल हैं और हमको क्या दिए हैं, साइड्स दिए हैं, लेंथ दी है और ब्रेथ दी है। यहाँ पे आप लेंथ डाल दीजिए, यहाँ पे आप ब्रेथ डाल दीजिए। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपने डाल दी, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ से सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 18 + 88, ठीक है, 88/2π। ठीक है, 88/2π, यहाँ पे पाई की आपने वैल्यू जो है वो डाल देनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22/7। ठीक है, यहाँ पे जब आप पाई की वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और जब आपके पास रेडियस आ जाएगा तो रेडियस से आप क्या है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो सर्कल का। सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए, और अगर जो आपके पास रेडियस आएगा, ठीक है, उससे आप क्या निकाल सकते हो, सर्कल का एरिया। अगर आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं भी डालनी है तो मत डालिए, यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया हमारे पास, रेडियस कितना आ गया, 44/π। ठीक है, रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 44/π। अब हमको क्या चाहिए, सर्कल का एरिया चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। पाई क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, पाई क्या आ गया, ये आर क्या हमारे पास, 44/π × 44/π। ठीक है, आर स्क्वेयर कर दिया, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे अब एक पाई की आपको वैल्यू जो वो डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 44, एरिया कैसे निकला हमारे पास, एरिया क्या आया था हमारे पास, π × 44/π × 44/π। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 44 × 44/22 × 7। ठीक है, 22 × क्या आ गया आपके पास, 7, इससे ये कट गया, यह आ गया आपके पास 2। तो यहाँ से अब जब इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 616 cm². ठीक है, आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 616 cm². ठीक है, तो ऑप्शन में 616 cm² कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पास एरिया और पैरीमीटर, जिसमें हमने क्या पढ़ी, 2-dimensional फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3-dimensional फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिस।